विराजमान पूर्व मंत्री हिंडोली से विधायक भाई अशोक चांदना जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और विधायक भाई सी एल प्रेमी जी, बूंदी से विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय हरि मोहन शर्मा जी, हमारे पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय महावीर मीणा जी, यहाँ पे मौजूद सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण, आज कोई भी नेता बीजेपी का उठ करके और राहुल जी के लिए अनर्गल बातें कर लेता है। एक अभिनेत्री जो नई नई सांसद बनी है, वसुंधरा जी ने थोड़े दिन बोला था ना, वो लौंग की, वो पीतल की लौंग, वो उन्हीं पे लागू होती है बात, उन अभिनेत्री पे ही, उनको नई नई पीतल की लौंग मिली है, वो अपने आप को सुनार समझ बैठी है। वो कहती है कि ये बन कैसे गया विपक्ष का नेता? अरे भाई 100 सीटें आई हैं इसलिए बन गया, फिर तुम्हारे बाप का राज थोड़ी है जो मन में आएगा उसको बना दोगे, जो सबसे ज्यादा सीटें लेके आता है विपक्ष में वो विपक्ष का नेता बन जाता है। तो राहुल गांधी विपक्ष का नेता बन गया। एक नेता बोलता है 11 लाख रुपए देंगे इसकी जबान काट के जो लाएगा उसको। मैं इस मंच से चैलेंज करता हूं, 11 लाख रुपए नहीं, आप 1 करोड़ का इनाम भी रख दो, एक आदमी भी नहीं मिलेगा जबान काटने वाला राहुल गांधी को। और वो इसलिए नहीं मिलेगा कि आज राहुल गांधी गरीबों की आवाज उठा रहा है, किसानों की आवाज उठा रहा है, इस देश में मजदूरों की आवाज उठा रहा है, गलत को गलत कह रहा है, इसलिए कोई नहीं मिलेगा। मोदी जी जरा सी चूक हो गई, नहीं तो शायद आप सरकार में नहीं बैठे होते अब की बार। 100 सीटें आई कांग्रेस की, 125 भी होती तो शायद कांग्रेस सरकार बना रही होती केंद्र में, आप नहीं बना रहे होते। पिट्टू 3 बार सांसद बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया उसको, आज राहुल जी के लिए उल्टा सीधा बोल रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, राहुल जी के पैर छुआ करता था, राहुल जी के कदमों बैठा करता था, अशोक जी ने खुद ने देखा, आज राहुल जी के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहा है। हार गया बीजेपी में जाके, हार गया फिर मंत्री बनाया उसको, इसलिए बातें आ रही हैं। अभी जब 5 साल बाद बीजेपी की सरकार हटेगी, जब देखेंगे बिट्टू जी कितनी बातें करते हैं और कहां नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है भाई अशोक चांदना जी का, कि आज उन्होंने इधर कांग्रेस में बूंदी के अंदर किसानों के लिए आवाज उठाई। लेकिन चांदना साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये पर्ची सरकार भी नहीं है, खाली पर्ची सरकार नहीं, ये रिमोट कंट्रोल सरकार भी है। रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चलता है, यहां से रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते हैं दिल्ली से, यहां पर सुधांशु पंत के यहां बटन दबता है, फिर सुधांशु पंत फैसला लेता है, मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है। पर्ची से नाम आ गया, एक कठपुतली चाहिए थी मोदी जी को, वो कठपुतली राजस्थान में बैठा दी और राजस्थान की जनता जान गई है और ये चीजें आगे चलने वाली नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या जहां बैठ करके ऊपर बैठ करके कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। अतिवृष्टि से इंश्योरेंस कंपनियां और ये जो पैसा कमा रहे हैं, आप और हम लोगों की सोच के परे है, हजारों करोड़ों वो अरबों रुपया उन लोगों ने अपनी जेब में डाल लिया है और सब साझा कार्यक्रम चल रहा है। मेरे को बहुत खुशी है कि भाई अशोक चांदना जी ने मुद्दा उठाया इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ में, ये अरबों रुपया लेकर के बैठे हुए, इनकी जेबों से पैसा निकाल के बांटना चाहिए। जो मोदी जी बाहर से पैसा लाने की बात करते हैं, इन इंश्योरेंस कंपनियों की जेबों से निकाल लो और बांटो किसानों के अंदर, तब माने यहां पर कुछ सरकार चल रही है। चांदना जी आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, जहां आपका पसीने गिराएगा हम खून गिराने को तैयार हैं, जहां आपको जरूरत पड़े इस भाई को याद कर लेना, हमेशा आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। हमारे पास में तो अभी शिवपाल जी ने बोला, किसने बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं, अभी ये तय करना है महेश कौन है, तीसरी आंख तो उसी को खोलनी पड़ेगी। लेकिन आप तीनों जैसा निर्देश देंगे हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। बूंदी जिले का आभार है कि उन्होंने हमको 3 विधायक दिए हैं, 3 में से 3
100% रिजल्ट आया है बूंदी जिले का, और उस रिजल्ट को साबित करने का हमारा हमारा दायित्व बनता है कि उस रिजल्ट को हम जनता के बीच में लेकर जाएं। 100% अगर आप लोगों ने हमें रिजल्ट दिया है तो 100% रिजल्ट हमारी तरफ से भी आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय अशोक चांदना जी, बूंदी के पूर्व राज्य मंत्री और वर्तमान विधायक आदरणीय हरिमोहन शर्मा साहब, हमारे पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय महावीर जी मीणा साहब, समृद्ध जी शर्मा साहब, शोभा जी मीणा साहब, रामावतार जी शर्मा साहब, और अभी 19 तारीख को हमारे प्रदेश के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डोडासरा जी ने राजीव गांधी के विपरीत जो टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए, राहुल गांधी जी के उपलक्ष्य में जो टिप्पणियां की है उसके संदर्भ में एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन जयपुर में किया गया था, और 20 तारीख को पूरे राजस्थान में पूरे जिलों में इस बात का प्रदर्शन किया गया था कि राहुल गांधी के प्रति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करते हैं हम इस बात की घोर निंदा करते हैं, यही मुद्दा लेकर के आज हमने ये प्रदर्शन किया है। साथ ही मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि चांदना जी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम आज इसलिए भी रखा गया है कि इस बार राजस्थान में नहीं बूंदी डिस्ट्रिक्ट में पूरी हमारी फसल जो किसानों की मेहनत से कमाई जाती है, उगाई जाती है, फिर उसमें पूरा खाद और बीज देकर के प्रयोग किया जाता है, आज वो फसलें पूरे बूंदी डिस्ट्रिक्ट में खराब हो चुकी है, उसका भी हम मुआवजे के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस बात का एक ज्ञापन भी आज देंगे हमारे चांदना जी के नेतृत्व में। इसलिए मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जब जब भी हमारे देश के नेताओं के प्रति, राहुल जी के प्रति, सोनिया जी के प्रति, और नेताओं के प्रति, डोडासरा जी के प्रति, अशोक गहलोत जी के प्रति, और भी नेताओं के प्रति कोई अभद्र टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी वाले करेंगे तो हम सहन करने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निर्देशों के अनुसार राहुल गांधी जी के लिए अपमानजनक शब्दों का जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया उसके विरोध स्वरूप और उसी कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय मुद्दा है और एक स्थानीय मुद्दा है। स्थानीय मुद्दा भाई अशोक जी ने पहल की, तो स्थानीय मुद्दे में फसल का जो नुकसान हुआ, ये दो मुद्दे आज के इस प्रदर्शन और धरने के मुख्य मुद्दे। हमारे विधायक और बिट्टा ने कहा, किसी मंत्री ने कहा, लेकिन ये सारी साजिशें मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह के द्वारा प्रायोजित, ये तो माध्यम है। योजनाबद्ध ढंग से राहुल गांधी जी के नेतृत्व को किस प्रकार से दूर दूषित कर नुकसान पहुंचाया जाए, इसमें हाथ से नहीं, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वर्षों पहले से अरबों रुपया खर्च कर मीडिया के माध्यम से योजनाबद्ध ढंग से व्हाट्सएप के माध्यम से इनको पप्पू बनाने की पूरी कोशिश कर चुका है। परिवारवाद के नाम पर राहुल गांधी जी का चरित्र हनन करने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी ने ही कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की परिकल्पना की और प्रचार और प्रसारित किया। परिवारवाद के त्याग का इस समय पर इनके नेतृत्व को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से परिवारवाद का नाम लिया और राहुल जी को परिवारवाद के नाम पर अलग हटाने की कोशिश। ये तो राहुल गांधी ही है जितने सड़क पर चलकर लंबी लंबी यात्राएं करके निर्भीक तरीके से अपना मेहनत के बल पर गरीबों के सहयोग से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर एकजुटता दिखाकर
उसका परिणाम है कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी बना है, किसी की दया पर नहीं बना है। अपनी मेहनत से, अपनी अकल से, अपनी हिम्मत से, अपनी ईमानदारी से और अपने प्रभावकारी ढंग से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर जो हमला वो करता है, पूरे देश में किसी भी पार्टी के नेता की हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के लिए और शाह जी के लिए कोई बात कह दे। अकेला आदमी पूरे देश, तो कैसे उसका नेतृत्व कमजोर हो? जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं ना, जब से मोदी जी और शाह जी मानसिक संतुलन खो चुके, और जैसे किसी भूत का डर लगता है ना अपने सपने में, वैसे राहुल गांधी के भूत का डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है। और रात में नींद नहीं आती राहुल गांधी के नाम पर, चाहे अमेरिका में जाके अपनी बात कहता हो, चाहे देश में कहता हो, चाहे कोटा में कहता हो, चाहे दिल्ली में कहता हो, मानसिक रूप से पूरी सरकार को अस्थिरता की ओर ले जाने वाले का नाम है राहुल गांधी। ये जानते हैं कि राहुल गांधी हमारी सरकार को गिरा सकता है, ये अपने बलबूते पर सरकार नहीं है, ये दो दलों के आधार पर बनी हुई मिली जुली सरकार है। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जब प्रधानमंत्री के बातें चली थी, जब भी अस्थिरता का दौर आ गया था, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो और चाहे बिहार के नीतीश कुमार जी, हलचल मच गई थी। सारी शर्तें उनकी मानना पड़ा, सारा पैसा उन दो प्रदेशों को देना पड़ा और पूरे देश के दूसरे प्रदेशों का उन्होंने सत्यानाश कर दिया। ये डर है। अब सवाल राहुल गांधी का नेतृत्व, देखो ना, राहुल गांधी एक अजीब किस्म का एक अलग लड़का है, बैठ जा रहे न डरता है और न किसी की परवाह करता है। उसके सारे बड़े बड़े साथी, चाहे वो सिंधिया जी हो और चाहे दूसरे साहबान हो, चाहे उनके गले में गलपट्टी बांध करके घूमने वाले हो, चाहे उनकी चरण वंदना करने वाले हो, सारे के सारे तकलीफ के समय कांग्रेस छोड़ करके चले गए तो भी राहुल गांधी हिला नहीं है। ये तो आदमी हिल जाता है, अपना साथी टूटता है, तकलीफ तो आती है ना, मन तो कमजोर होता है, लेकिन नेतृत्व तो वही कर सकता है जिसमें अपने नफे नुकसान की कोई चिंता ना हो। जो लाभ की राजनीति सोचेगा वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से मिलेगा, चुपचाप बैठ जाएगा, शोरगुल नहीं करेगा, उनके खिलाफ नहीं बोलेगा।
सुल्ताना जिंदाबाद 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 सुल्ताना जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद सीधे उठ नीचे आ जाओ आराम से आराम से सब बैठो नीचे आ जाओ सभी आ जाओ सब नीचे आ जाओ कोई सीधे को बंद कर दो राहुल जी के ऊपर जो टिप्पणी करी है ये राष्ट्रपति महोदय तक हमारी बात जानी चाहिए। दूसरा राहुल गांधी जी के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मनगढ़ंत बातें की है, उनको मारने की धमकी दी है, तो उसके विरोध में हमने आज धरना और प्रदर्शन किया है चांदा जी के नेतृत्व में, हरिमोहन जी के सानिध्य में। तो हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले अपने गिरेबान में जाके देखने का प्रयास करें और इस तरह के आरोप न लगाएं। दूसरा ये है कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट में फसल का बहुत नुकसान हुआ है, इसका भी हमने ज्ञापन अभी ADM साहब को दिया है। हम ये चाहते हैं कि एक महीने में यदि प्रशासन ने हमसे मीटिंग नहीं की तो हम 21 तारीख को धरना और प्रदर्शन करेंगे और ये धरना और प्रदर्शन चांदना जी के नेतृत्व में बड़ा विशाल होगा और प्रशासन की आंखें खुलेंगी। देखिए, कोरोना वैक्सीन के बाद में खून गाढ़ा होने की शिकायत आई, लेकिन बिट्टू पहले व्यक्ति हैं जिनका खून पतला हो गया, उस वजह से वो अनर्गल बयान दे रहे हैं, हल्की बातें कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है, वो जब कांग्रेस में थे तब उन्होंने कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं करी, क्योंकि वो चरित्र कांग्रेस पार्टी का नहीं है। बीजेपी में जाते ही बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जिसका भी धुलाई होती है उसका चरित्र ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र वही है जैसा बिट्टू का चरित्र, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि पूर्व में भी मैंने चिट्ठी लिखी सामान्य कलेक्टर महोदय को, सामान्य मुख्यमंत्री महोदय को, कि आप जल्द तुरंत प्रभाव से गिरदावरी कराकर जिन किसानों की फसल खराब हुई है, क्योंकि अगली फसल की बुआई का समय बहुत जल्दी आने वाला है, उससे पहले पहले प्रक्रिया पूरी करके उनको मुआवजा देने का काम करें, ताकि किसानों की अगली फसल के खाद बीज में कोई मदद हो और उनका नुकसान की कुछ भरपाई हो। लेकिन मैंने साथ ये भी आग्रह किया था कि जनप्रतिनिधियों के साथ में आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसकी एक मीटिंग खुली होनी चाहिए, ताकि जनप्रतिनिधि आम लोगों को बता सके कि ये प्रक्रिया चल रही है। वो मीटिंग इन्होंने नहीं बुलाई, तो बूंदी जिले के किसान और नेता इस नहीं इस कंफ्यूजन में है कि ये कुछ काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए पारदर्शिता प्रक्रिया में नहीं रही, उस वजह से आज किसानों का भी इनको सावचेत कर दिया है, चेतावनी दे दी है। सब जिले के किसान, सभी जाति वर्ग धर्मों के किसान, सभी मुझे लगता है कि जितने किसान आए थे वो सभी पंतों से हैं, और वो सब मिलकर सबने चेतावनी दे दी है कि एक महीना टाइम और हम सरकार और जिला प्रशासन को दे रहे हैं। यदि एक महीने में, आज 21 तारीख, एक महीने के अंदर अगली 20 तारीख से पहले पहले मुआवजा बूंदी जिले किसानों को नहीं मिला, तो 21 अक्टूबर को भारी जन आंदोलन इनको देखने को मिलेगा, अभूतपूर्व होगा। मैं चेताना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति ना आने दे, एक महीने में उनको उनका मुआवजा दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। वह चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।